बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस शहजाद अल्टीमेट टेस्टी किचन में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कुकीज़ शेक। ये बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, बहुत मज़े का बनता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सैंडविच कुकीज़ हैं लेमन वाले, आप सोच रहे होंगे कि लेमन वाला है तो शायद ये दूध में जब डालेंगे तो दूध फट ना जाए। दूध बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि एक तो ये मीठे हैं, ये भी मीठे हैं, और दूध जो है वो हमने बिल्कुल फ्रीज़र में रख के उसे उसमें क्रिस्टल्स बने हुए हैं, हम बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें मैं कुकीज़ डाल दूँगी। चीनी नहीं डालूंगी मैं, उसकी जगह मैं एक टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्रिस्टल्स जो है ना दूध में ये बने हुए हैं। इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है, इस तरह वेनिला का टेस्ट होता है, कलर होता है। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या फिर एक टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये जितना मैंने डाला है इतना ही मीठा पसंद है, इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली। आप पे डिपेंड करते हैं आप। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा लेमन कुकीज शेक तैयार है। ये मैंने इसे सर्व कर दिया। आप भी इसे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि मेरी सारी फैमिली को बहुत पसंद है ये शेक। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।